बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया। सरकार अगर देती है तो एक जनता दल यू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सब लोग जो मांगा है उस पर मैं मानूंगा कि एक मुहर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद जो है ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लंबे समय से जो पार्टियां इस बात की मांग कर रही थी और ठीक जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं शताब्दी के पूर्व संध्या पर इस बात का ऐलान किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर को जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से 100वीं शताब्दी में जो है बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जनता दल यू के तरफ से किया जा रहा है, वहीं आरजेडी के तरफ से भी जो है वो बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन उस बीच पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक फेंका है और सीधे तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जो है आरजेडी का बयान सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि लगातार लंबे अरसे से हमारी मांग थी और उस मांग को जो है वो केंद्र सरकार ने पूरा किया है, तो शायद इस पर मुहर लगा है। लगातार जनता दल यू हो या फिर आरजेडी लगातार इस बात की मांग कर रही थी, जेडीयू आरजेडी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं पूरे बयान को। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कल जयंती है 100वीं, और हम लोगों ने लगातार भारत रत्न देने की मांग की थी। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में जो राजद के सांसद हैं मनोज कुमार झा जी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये मांग की। हम तो लगातार कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ये योगदान है समाज में, राजनीति में, एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अगर भारत की सरकार अगर देती है तो एक जनता दल यू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सब लोग जो मांगा है उस पर मैं मानूंगा कि एक मुहर है। नायक कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक परिवर्तन के नायक थे, उनकी 100वीं जयंती पर विलंब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया, तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही। नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा कि जननायक के विचार को अंगीकार करते हुए जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको सरजमी पर उतारा है, उन तमाम तथ्यों का आने वाली पीढ़ी मूल्यांकन करेगी।